देश में चुनाव का माहौल अभी से बनने लगा है। देश के प्रमुख दो राज्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेर रही हैं। कांग्रेस लगातार अडानी के मामले में लगातार बीजेपी को घेर रही है, पर कथित घोटाले को हम आपके हैं कौन के जरिए आरोप लगा रही है। इसके जवाब में बीजेपी ने भी कांग्रेस पर वीडियो सीरीज के जरिए तगड़ा पलटवार किया। बीजेपी ने भी कांग्रेस फाइल की एक सीरीज का पहला एपिसोड जारी किया है। इसमें बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस ने 48 खरब 20 अरब से भी ज्यादा रुपए का घोटाला किया। इसमें बीजेपी ने कहा कि इतने राशि से 24 INS विक्रांत और 1000 मंगल मिशन पूरे किए जा सकते थे, लेकिन देश को कांग्रेस के भ्रष्टाचार की कीमत चुकानी पड़ी। बीजेपी ने दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस राज में कांग्रेस में एक के बाद एक भ्रष्टाचार और घोटाले हुए। 2004 से 2014 तक हुए भ्रष्टाचार में मनमोहन सिंह के कार्यकाल को खोया हुआ कार्यकाल बताया। आपको बता दें कि वीडियो में बीजेपी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। पूरे 70 साल को एक तरफ रखकर अगर हम केवल 2004 से 2014 तक के कार्य के पिछले कार्यकाल को देखें तो वह एक खोया हुआ दशक था। तब सरकार का नेतृत्व मनमोहन सिंह कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने शासन में होने वाले सभी भ्रष्टाचारों पर आंखें मूंद ली थी। उन दिनों समाचार भ्रष्टाचार की खबरों से भरे रहते थे। इसे देखकर हर भारतीय का सिर शर्म से झुक जाता था। कांग्रेस के कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1.48 लाख करोड़ रुपए, मनरेगा घोटाला 10 लाख करोड़ रुपए और कई सारे घोटालों का जिक्र किया है। आखिर में बीजेपी ने मैसेज के जरिए कहा कि अभी छानबीन बाकी है, ये तो बस ट्रेलर है।